हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। हमें यूट्यूब पे जब भी कोई नई वीडियो देखनी होती है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि उसका थंबनेल कैसा है। अगर हमें थंबनेल अच्छा लगता है तो हम उस थंबनेल पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि इस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर कितने हैं जिसकी हम वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले हमारी नज़र वहीं जाती है जहाँ उसके नाम के नीचे जो सब्सक्राइबर लिखे होते हैं उसी पर हमारी नज़र जाती है सबसे पहले। अगर उसके सब्सक्राइबर कम होते हैं, 100, 200, 300, 400 होते हैं, 1000 से कम होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसकी वीडियो कोई अच्छी कोई ख़ास नहीं होगी, इसने कुछ ढंग से समझाया नहीं होगा क्योंकि इस पर सब्सक्राइबर्स तो हैं नहीं, थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी वीडियो को बैक कर देते हैं। और वहीं हम अगर कोई बड़ा यूट्यूबर हो जिसके 50,000, 20,000, लाख तक हों सब्सक्राइबर, तो हम उसकी वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो न्यू यूट्यूबर्स के लिए ये दिक्कत है आज के टाइम में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम अपने YouTube के सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। यूट्यूबर्स, न्यू यूट्यूबर्स जो होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि हम अपनी कोई भी वीडियो डालते हैं तो हमारे उस पर व्यू नहीं आते वीडियोस पे, तो हम अपने सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड करें ताकि हमारे भी लोग वीडियो देखें, हमारा भी चैनल ग्रो करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आप भी ये ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे www.youtube.com, एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप ये फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन में भी आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फ़ोन में आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें www.youtube.com ओपन कर लेना है और उसे डेस्कटॉप वर्जन 3 डॉट, जैसे यहाँ पे हैं वहाँ पे भी 3 डॉट मिलेंगे आपको राइट कॉर्नर में ऊपर, वहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है और उसे डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। तो सेम यही स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है सबसे पहले इसमें अपने जीमेल अकाउंट से, ठीक है। तो मैं इसमें साइन इन कर लेता हूँ अपने जीमेल अकाउंट से, पहले आईडी और पासवर्ड डाल के। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन हो गया है। इस आइकन पे क्लिक करना है हमें और यूअर चैनल पे क्लिक करना है। मैं आपको एक डमी चैनल से करके दिखा रहा हूँ अपने, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप देख सकते हैं इस पे मेरे 24 ही सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी कम हैं। तो हमें इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे लेफ्ट में, इस पर क्लिक करना है आपको। आपके सामने कुछ ऐसे पेज ओपन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जनरल, चैनल, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, परमिशन, कम्युनिटी और एग्रीमेंट्स। इसमें आपको चैनल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। तो हमें एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल। ये वाला आइकन, अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहते हैं तो इस टिक वाले आइकन को अनटिक कर दें यहाँ से ऐसे, ठीक है, उस पर क्लिक करके, और इसको यहाँ से सेव कर दें। तो ये आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू चैनल लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सब्सक्राइबर यहाँ से हाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू very much।